प्रदेश में बैन PFI पर NIA का बड़ा एक्शन। दिल्ली, UP, महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों में रेड। देश भर में PFI के 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी। मुंबई में वाहिद शेख के घर पहुंची जांच एजेंसी। जी हां, देश में बैन संगठन PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ NIA ने बड़ा एक्शन लिया है। NIA ने दिल्ली, UP, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों में PFI के खिलाफ एक्शन लेते हुए इन राज्यों में PFI से जुड़े लोगों के 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है। NIA ने दिल्ली NCR की कई लोकेशन पर छापेमारी की है, जिसमें पुराने दिल्ली के थाना हौज काजी इलाके का बल्ली मारान इलाका भी शामिल है। इसके साथ ही सेंट्रल दिल्ली के हौज काजी इलाके में स्थित मुमताज बिल्डिंग में छापेमारी की गई है, जहां NIA की टीमें दिल्ली पुलिस के साथ मौजूद हैं। इस इमारत में एक पब्लिकेशन हाउस चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक पब्लिकेशन हाउस में छपने वाली किताबों की जानकारी और प्रिंट की छानबीन भी की जा रही है। साथ ही पब्लिकेशन हाउस में रोजाना एंट्री रजिस्टर, फंडिंग डिटेल्स और कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। इधर राजस्थान के टोंक, कोटा, गंगापुर में भी देर रात से NIA की छापेमारी जारी है, जहां से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। वहीं यूपी के लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर, हरदोई में भी छापेमारी की गई है। लखनऊ में मदेगंज की बड़ी पकरिया इलाके में 3 घरों में छापेमारी की गई है। NIA की टीम के साथ सुरक्षा बलों की टीम और स्थानीय पुलिस भी मौजूद है। आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना से सटे फुलवारी शरीफ वाले मामले से जुड़ी ये छापेमारी की गई है। आरोप है कि फुलवारी शरीफ में PFI से जुड़े लोगों द्वारा कथित रूप से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के मकसद से ट्रेनिंग सेशन चलाया जा रहा था। इधर NIA की टीम ने मुंबई के विक्रोली में PFI से जुड़े वाहिद शेख के घर पर छापेमारी करी। हालांकि वाहिद शेख गेट नहीं खोल रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि NIA के अधिकारियों ने आरोप पत्र नहीं दिखाए और उसे लीगल नोटिस भी भेजे। आपको बता दें कि वाहिद शेख मुंबई हमले में अभियुक्त था, हालांकि बाद में उसे बरी कर दिया गया था। ऐसे में आपको बताते हैं क्या है PFI। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 22 नवंबर 2006 को 3 मुस्लिम संगठनों के मिलने से बना था। इनमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का मनिता नीति पर सही साथ आए। PFI खुद को गैर लाभकारी संगठन बताता है। PFI में कितने सदस्य हैं इसकी जानकारी संगठन नहीं देता। हालांकि दावा किया जाता है कि 20 राज्यों में उसकी यूनिट है। शुरुआत में PFI का हेडक्वार्टर केरल के कोझिकोड में था, लेकिन बाद में इसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। OMS सलाम इसके अध्यक्ष हैं और EM अब्दुल रहमान उपाध्यक्ष। PFI की अपनी यूनिफॉर्म भी है और हर साल 15 अगस्त को PFI फ्रीडम परेड का आयोजन करता था। साल 2013 में केरल सरकार ने इस परेड पर रोक लगा दी थी। वो इसलिए क्योंकि PFI की यूनिफॉर्म में पुलिस की वर्दी की तरह ही सितारे लगे हैं। आपको बता दें कि पिछले साल केंद्र सरकार ने PFI को 5 सालों के लिए देश में प्रतिबंधित कर दिया था। इसके बाद से इस संस्था से जुड़े करीब 350 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद भी उस संस्था से जुड़े कई लोग अभी भी कई राज्यों में सक्रिय हैं। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी की ओर से उन लोगों को तलाश किया जा रहा है और उससे जुड़ी उचित कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।